दोस्तों अब देखेंगे बल का मात्रक, बल का फार्मूला और बल का मात्रक। बल का मात्रक निकालने के लिए बल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बल, बल का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का मात्रक क्या होगा? तुम्हारा मात्रक मात्रक हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है? किलोग्राम, ठीक, किग्रा होता है। द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है? किग्रा होता है। और त्वरण, त्वरण का मात्रक कितना होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप अब त्वरण का मात्रक कैसे करके निकालते हैं? त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर कितना होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। त्वरण कितना होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब वेग का मात्रक कितना होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक। और नीचे हो गया सेकेंड, ठीक। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहां वेग का मात्रक कितना होता है? मीटर पर सेकेंड और समय ये सेकेंड। अब सवाल ये होता है वेग का मात्रक कैसे आ गया? तो ये देखिए, अब वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब ये वेग है, अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक कितना हो जाएगा? ये हो गया मीटर अपॉन सेकेंड। अब वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेग की जरूरत हमें क्यों पड़ी बताने की? क्योंकि त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग अपॉन समय। तो अब यहां पर बल, बल का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बल का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बल का मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण का मात्रक कैसे आया? उसके लिए त्वरण का फार्मूला पता होना चाहिए। त्वरण बराबर कितना होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग का मात्रक कितना होता है? मीटर पर सेकेंड। और समय का मात्रक कितना होता है? सेकेंड। और अब वेग का मात्रक कैसे निकल के आया? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक कितना होता है? मीटर। और समय का मात्रक कितना होता है? सेकेंड। इसको ऐसे लिख लेंगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही हमने लिखा है, ये वाला वेग का मात्रक कितना है? मीटर पर सेकेंड।
ठीक, और निकल के कहां पे आया, ये ऐसे करके निकल के आया ये वाला मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहां से वेग का फॉर्मूला ला, वेग का मात्रक निकाल लिया और यहां समय का मात्रक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस वन और इंटू, जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये माइनस का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो क्या हो गया मीटर और मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया किग्रा मीटर या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किग्रा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी को इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किग्रा मीटर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम सीधे न्यूटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बल का मात्रक हम सीधे न्यूटन भी बोल सकते हैं, और बल का मात्रक ये भी होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किग्रा चाहे इसको ऐसे ये बोल लो चाहे ये बोल लो, बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, अगर हम उसकी जगह पर न्यूटन भी बोले तो वो भी ठीक है, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए न्यूटन किस में टूटता है। तो न्यूटन टूटेगा किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इसका जरूरत पड़ती है यहां पे। ठीक है, तो बल का मात्रक हमारा हो गया न्यूटन ये, और बल का मात्रक हो गया किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।